الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि जिस रब ने सानू सारिया नू मुसलमान बनाया। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि जिस रब ने कुरान हदीस समाप्त करने वास्ते अपने प्यारे सोहने घर के अंदर काफी भारी तादाद के अंदर लोगों को जमा फरमाया। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि जिस रब ने इमाम आजम कैद आजम खतीब आजम मुर्शिद आजम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। प्यारे भाइयों माशाल्लाह मेरे तो पहले हाफिज कारी खूबसूरत आवाज वाले और बड़े मुखलिस मेरे रूहानी बेटे हजरत मौलाना कारी सुलेमान रबानी साहब बड़ा प्यारा कलाम पढ़ रहा कि आमत आला दिन होएगा इन्हां दा कैद हसान बिन साबित होणगे और मगर मगर ये होणगे नात खान जो नबी दे जमाने दा नात खान जिन्हें नबी दा चेहरा वेख के नात पढ़ी वो नात खाना दे सरदार होणगे और उन्होंने नाल जमात के अंदर रबानी साहब होंगे और जो जन्नत जा रहे होंगे तो कैसा प्यारा नजारा होगा। अल्लाह इन्होंने सेहत वाली ईमान वाली कुरान वाली हदीस वाली लंबी प्यारी सोहनी इज्जत अता फरमाए लंबी उम्र अता फरमाए। प्यारे भाइयों मेरे बाद माशाल्लाह एक रूहानी बेटे ने पहले नात पढ़ी है और रूहानी मेरा बेटा बाद चार उन्हां दा नाम कौन नहीं जानता आने वाले थे मेरे तो बाद इन्हां दी जिन्नी उम्र है मेरा तकरीरां दा उतना जमाना है इन्हां दी उम्र जितनियां मैं तकरीरां कर चुका इतने मेरे नालों उम्र दे एतबार नाल छोटे मेरे बेटियां दी उम्र लेकिन हया मेरे बेटियां नाल भी ज्यादा है। इतना अदब एहतराम मैं नहीं पाया पाकिस्तान च जितना अदब एहतराम मैं पाया है हजरत मौलाना अलामा हारून यासर बगवी साहब बादब बानसीब
हमेशा इज्जत पाण वाले लोग भी ओ हुंदन जेडे वड्या दा अदब इत्राम करदन। एक वक्त आंदा है ओ खादिम हुंदन, फिर ओ जमाना भी आंदा के ओ मखदूम हुंदन। मेरे सहाबा नबी दे पानी दी छिट भी जमीन ते गिरण नहीं दंदे आए, तो फिर मकाम पाया कि नहीं पाया। उन्ना दी शान कुरान दी जीनत बनी। इस तरह की जमात दुनिया च नहीं आई जितनी शान वाली जमात असहाबे मुहम्मद दी। प्यारे भाइयों, शान उन्हां नूं मिलिया क्योंकि उन्हां दे अंदर अदब बड़ा सी। वो कहिंदा नहीं सी उर्वा सख्फी, कहे उर्वा सख्फी कुरेशा नूं जाके मैं शाहां दे शाही दरबारां नूं डिठा, मुहम्मद जैसी मिसाली नहीं मिलनी जिवें मैं मुहम्मद दे यारां नूं डिठा। वज़ू कतरे गिरदे ओ भज भज के पकड़न, मुहब्बत नाल मलदे रुखसारां नूं डिठा। इन्ना अदब और इन्नी शान वाली जमात मेरी नज़र च और कोई नहीं। फिर सहाबा ते सारे नबियां नूं मिले हां थोड़े थोड़े, लेकिन जेड़े सहाबा मेरे पाक मुहम्मद नूं मिले इन्ना वर्गा शान वाला कोई नहीं। एक मैं सिर्फ थोनों हदीस सुनाना असहाबे मुहम्मद दी शान दी, जिन्ना एक बारी पाक सोने नबी दा दीदार कीता। एक बारी दीदार, एक मिनट दा दीदार, एक मिनट दी नबी पाक दी ज़ियारत। नबी पाक ने फरमाया इन्हां नूं सवाब पता किन्ना मिलिया, जिन्ना मैनूं एक बारी वेख्या इस्लाम दी हालत च सहाबी बन के। नू नबी दी उम्र जितनी इबादत लिखी जाती है, नू नबी दी उम्र। हुण नू नबी दी उम्र किन्नी सी? हजरत आदम नबी दी उम्र 1000 साल, नू नबी दी उम्र 1800 साल। अलबदाया व निहाया पढ़ो। और ईसा नबी दी उम्र 2100 साल हो गई है, अजे तक जा रही है क्योंकि वो जिंदा समाना थे। और जेड़े सब तो ज्यादा शान वाले मेरा सोना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले दे कुरान बने, उठन कुरान बने, खावन कुरान बने, पीवन कुरान बन जाए। मेरा नबी लेटे कुरान बने, प्यारा नबी हसे कुरान बने, सोने नबी पाक मक्का छड़ के मदीने जान कुरान बने, गारे जान कुरान बने, अरशन से जान कुरान बने, वापस आन कुरान बने, बदरे जान कुरान बने, ओहदे से जान कुरान बने, हुनैन च जान कुरान बने, खंदक के जान कुरान बने, वापस मक्के आन कुरान बने। मेरा नबी जुल्फा खोल ले कुरान बने, मुंह इचू बोल ले कुरान बने। इन्नी शान वाला जेड़ा नबी है उन्ना दी उम्र 63 साल 4 महीने 10 दिन। हजरत अबू बकर दी उम्र 63 साल 4 महीने 10 दिन। हजरत उमर दी उम्र 63 साल 4 महीने 10 दिन। प्यारे अली दी उम्र 63 साल 4 महीने 10 दिन। अबू हुरैरा दी उम्र 63 साल 4 महीने 10 दिन। इब्ने हजर अस्कलानी दी उम्र 63 साल 4 महीने 10 दिन। एक ऐसी तरतीब है प्यारे भाइयों, सब तो शाना वाले दी उम्र कम है। इंदिया हिकमता जान वाला मेरा खुदा है। सियाबा दी अजमत, एक बारी जिन्ना सोने नबी नु वेखे ओनू 18 सदियां दी सवाब अता होए, ते सियाबा ने ते मेरे नबी नु लखां वारी वेख्या होया सी। सुभान अल्लाह, पढ़ो उच्ची आवाज़, क्या अजमत! ए अजमता ओना नु मिलदियां जो अपने वड्डियां दा अदब करदन। उस बच्चे दी शान की होएगी जिन्ने अपनी मां दा अदब कीता है। ओनू कहिंदे उवैस करनी, नबी पाक ने अपने मिंबर ते खड़े होके सहाबा नु क्या सी, ओ मेरे सहाबियो उवैस करनी मिल जाए दुआ करवाया जे, उन दी दुआ दी गारंटी मुहम्मद दे रहे है।
रात नहीं होंदी प्यारे हो उनकी खूबी की आई ओ मां दा अदब गुजार सी रब ने ओनो मुस्तजाबात दा दावत बना दिया सी क्या शान है क्या मकाम है ओ जेड़ा भी अदब करेगा ना अपने वड्डे दा ओंदी शान ही शान बन जाएगी मेरे बाद बढ़िया शान वाले अरुण यासर साहब आ गए अल्लाह इन्हां नूं हमेशा उरूज देवी अल्लाह हमेशा इज्जत देवी अल्लाह हमेशा गला कुरान वास्ते चलांदा रवे अल्लाह इन्हां दा साया देर तक पूरे पाकिस्तान च अल्लाह कायम रखे लो जी हुण मेरा सुनो पिया कोई मेरी समझ भी आ रही है कि नहीं सेहरा लांदे जबान नहीं लांदे छिड़ा की समझ आती आ रही समझ अगर आ रही है तो जरा सुभान अल्लाह हो जाओ मेरा आज मौसू है पहले नहीं दसना पहले तरसाने तो ओ मौसू है अगर तुसी आज दे दस्से हो इस अमल ते अमल करोगे ते अल्लाह तेनु वली अल्लाह बनाएगा क्या बात वली अल्लाह की में जेड़ी दुआ करोगे रद नहीं होगी ओ मौजूद सुआ ताके तू आपे दुआवां किरदार में ते तेरी मुश्किल हल हो आज मैं सारे भाई वली अल्लाह वेखना चाहता एड़ा वड़ा अमल है जेड़ा अजे मैं तुम्हें दसिया नहीं अगे चल सारी दुनिया तौबा करेगी ते गुनाह माफ होंगे ना वैसा अमल दसूंगा तौबा नाम ही करेगा गुनाह आपे ही माफ दो गल्लां तीसरी गल ओ एड़ा वड्डा अमल है के जमीन ते ओ तू अमल करेगा अरशा दा रब उससे तरह अरशा दे बह के अपनी जबान चू अमल करे अल्लाह जाने रबड़ दे बंदे ने या लकड़ी दे इना दे मुंह च सुभान अल्लाह ही निकल दी आ बाबा बैठा ना पूरी आला मैं कई भी जाना बैठा मुंह खोट के पता नहीं सुभान अल्लाह पढ़ने लगे पैसे लगते ना खर्चा होता है ना पर्चा होता है सुभान अल्लाह पढ़ने लगे सिर्फ रब राजी एक बारी बोलो का सुभान अल्लाह बच्चे बोलते हैं बड़े नहीं बोलते एक बारी बोलो सारे बोलो सुभान आज चौक के बोलो सुभान ओ जेड़ा अमल अजे मैं दसिया नहीं एडा वड्डा अमल है फरमाया किसे नु जन्नत नहीं मिलेगा किसे नु जन्नत मावा मिलेगा जेड़ा ओ अमल करेगा जेड़ा मैं अजे दसिया नहीं ओ अगर तुसी सुन लिया फिर उंदे ने चल गए ते अल्लाह तुहानु फिरदौस दा मालिक बनाए फिरदौस लेना चाहते हो फिर गल दस दे अमल करोगे गुना आपे ही माफ हो दे जान अमल दसा करोगे अमल फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून जेड़ा बंदा अल्लाह नूं याद करे अपने दिल के अंदर अल्लाह उन्हूं याद करता है अपने दिल के अंदर जेड़ा अल्लाह नूं याद करे जिक्र इलाही करे बंदियां दे अंदर अल्लाह उन्हूं याद करता है फरिश्तियां दे अंदर जेड़ा बंदा अल्लाह दा जिक्र करे प्यारे ओ जमीन ते बह के अल्लाह जिक्र करता है अरशे बरी ते बह के
अज़कुरुकुम वश्कुरुली वला तकफुरून। जिक्र करना इन्नी शान है प्यारे भाइयों, जिक्र देखो और बड़ा वड्डा वड्डा फायदा है। जदों जिक्र करोगे चुगली नहीं करोगे, जगो जिक्र करते रहोगे कसरत नाल, सुबह दे टाइम भी जिक्र, जोर दे टाइम भी जिक्र, असर दे टाइम भी जिक्र, मगरब दे टाइम भी जिक्र, इशा दे टाइम भी जिक्र, चलते हैं भी अल्लाह का जिक्र, बैठे हैं भी अल्लाह का जिक्र, समय लगे अल्लाह का जिक्र, सो के उठन लगे अल्लाह का जिक्र, गलियां बाजारों के अंदर अल्लाह का जिक्र, अपने घरों के अंदर अल्लाह का जिक्र। जदो जिक्र करते रहोगे जबान बीजी रहेगी, अल्लाह के जिक्र के अंदर चुगली नहीं करेगी, गीबत नहीं करेगी, हसद नहीं करेगी, गाला नहीं कटेगी, गिला नहीं करेगी, प्यारे हो शिरक नहीं करेगी, बिदत नहीं जबहार करेगी, गुनाह वाला कोई काम करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलना, वो क्यों करेगी। हर वेले ये फिक्र लग जाएगी, मैं जिक्र करना चाहना क्यों प्यारे दोस्तों, जरा गौर करिया है, अल्लाह का जिक्र इतना शान वाला है, कसरत ना पड़ना है जिन्ना जिक्र ते मेरे सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी लाई है, ओदे पाबंदी नाल उन्ने ही करना चाहिए। कुछ जिक्र ऐसे ने जिन्ना ते पाबंदी कोई नहीं, ना वक्त की पाबंदी लाई नबी ने, ना तादाद की पाबंदी लाई सोने नबी ने, फिर तुसी भी पाबंदी ना लाओ, ओनू ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो। जो कसरत नाल जिक्र करोगे, जेड़ी दुआ करोगे अल्लाह कबूल करेगा। सूफी अब्दुल्ला रहमतुल्ला ने मामू का जनवाले वो सुबह दे टाइम उठ दे ताज्जुद दी नमाज पढ़ दे, उस वेले भी अल्लाह का जिक्र, फिर अजान हो जाती सुनता पढ़ दे, सुनता पढ़ के भी अल्लाह का जिक्र, जदों सुनता पढ़ के फारिग हो जाते फिर भी जिक्र करने लग जाते, फिर जमात हो जाती फिर नमाज पढ़ के जिक्र के अंदर बैठ जाते, जदों सूरज चढ़ जाता फिर इशराक पढ़ दे, इशराक पढ़ के फिर जिक्र कर दे, फिर जिक्र करते करते यारह बजे जाते, यारह बजे तू आराम कर दे, फिर जोर उठ जाते, फिर जिक्र शुरू हो जाते, फिर असर तक जिक्र, फिर असर की नमाज पढ़ के फिर जिक्र, फिर शाम तई जिक्र, फिर शाम तो बाद इशा तक जिक्र। प्यारे हो जेड़ी भी दुआ करते आन कदी रद्द हो ही नहीं। कसरत नाल وَالذَّاكِرِينَ نَلَّاهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ پیارے دوستو ذرا غور کریا ہے، کثرت نال ذکر الہی کرو گے बगैर तौबा करन दे अल्लाह अपने आप ही तेनू माफिया देता चला जाएगा। ए शान भी जिक्रां दी है, अगे चलिए फरमाया अजरन अजीमा, एदा माना वड्डी मजदूरी, वड्डी मजदूरी तू बना बिना यानी वड्डी जन्नत, वड्डी जन्नत दा बना फिरदौस वाली जन्नत अल्लाह फिरदौस तेनू अता कर देगा। ए जिक्रां दी शान है प्यारे हो, चंद मैं तेनू जिक्र दसन लगा,
तो करता जाएगा दुनिया दिया परेशानियां सारे दुख अल्लाह भी खत्म करता चला जाएगा हर परेशानी दे दुखों का इलाज भी अल्लाह दे जिक्र दे अंदर है प्यारे हो एक अम्मा जान है उन्हां दा खामिद फौत हो गया उन्हां ना है उम्मे सलमा तो रोवे लग गई अरब दे अंदर उन्हां रोना मशहूर है एक दिन प्यारे सोने नबी उन्हें घर आ गए घर आ गए कई दिन ए उम्मे सलमा तेरा खामिद नहीं मरिया बड़े बड़े लोग मर गए लेकिन इतना तो कोई नहीं रोया जिन्नी तू रो रही है गल की है आजी है मेरे बंदे वर्गा मेरे ताज वर्गा मेरे सिर से साए वर्गा मक्के मदीने दे अंदर उंदे नाल दा मैनू लगदा ही कोई नहीं प्यारे हो मेरे नबी ने फरमाया एक जिक्र सुन ले ओ जिक्र पढ़िया कर अल्लाह उंदे नाल भी तैनू अच्छा सहारा अदा कर देगा ओ रो के आंदी है प्यारे सोने नबी जी ठीक है जिंदा कलमा पड़ी दा है उंदी गल मन्नी दी है गल ते मैं जरूर मन्नागी थोड़े आखे जरूर लगांगी लेकिन सोने नबी जी मेरे बंदे वरगा ना मक्के दे अंदर ना मदीने दे अंदर किवे मैनू अच्छा मिलेगा प्यारे हो लेकिन मैं सुन्नत सने के जिक्र पढ़ांगा जरूर मेरे सोने नबी ने फरमाया पढ़िया कर उन्हों का की जज्बात उस आख्या मेरा रंग काला सी मेरे ताज दा रंग गोरा निशो है कदी ताना नहीं बड़ी गई मेरा ताज पढ़िया लिखिया मैं अनपढ़ औरत कदी ताना नहीं खूबी तो है एवं याद नहीं हमते जिंदगी गुजारो तो इस तरह जिमे अबू सलमा ने गुजारी उम्मे सलमा कहन लगी मैं कावड़ वाली औरत बिना वजह गुस्सा कर दी आई मेरे ताज ने एक दिन भी गुस्सा किया ने तरने भी नहीं मारे के बिना वजह लड़ पौनी चंगी तू मेरी भी इंज भी नहीं चुप करके सह जाते थोड़ी देर बाद मैं आप ही गलती मान के माफी कह लगी मेरी वडेरी उम्र मेरे ताज दी नौजवान उम्र लेकिन मैनू ताना नहीं कवेनू बुढ़ी लग गई है कदी भी ताना नहीं ऐसा बंदा मैनू मक्के मदीने दे अंदर किवें मिलेगा मैं तारुनिया प्यारे नबी ने फरमाया तू ऐ जिक्र पढ़ ओ जिक्र केड़ा है अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती वखलफली खैरम मिनहा एक बारी मुड़ बोलो इवें तरह फिर बोलो तेरा भी कोई नुकसान हो जाए बेटा फौत हो जाए ए जिक्र पका ले इंदी तादाद कोई नहीं इस जिक्र का टाइम कोई नहीं पढ़ते रहो उस बेटे नालू खूबसूरत भी ते खूबसीरत भी अखा दी ठंडक अल्लाह तेनों बेटा ता फरमाएगा अगर कोई हो नुकसान हो गया है कार हादसे दा शिकार हो गई है ए पड़न लग पाओ उस गड्डी नालू भी तेनों अच्छियां गड्डियां मिल जाणगियां प्यारे हो तेरा घर तबाह हो गया अल्लाह तेनों आला घर अता करेगा हार गई नेमत वापस आएगी और आएगी भी पहली नालों अच्छी खैर मिनहा पहली नालों बेहतर आएगी ए अम्मा रानी ने जदों पढ़िया ना वजीफा एक दिन मेरे रब ने फरमाया ए मेरे हबीब सुभान अल्लाह
घोड़े रोमन चुप चंगी है बीमार माया कि तुसी स्पीकर गंदा सी अर्जुने दे अंदर उन्हें गला चबा के हूँ मैं लड़न जोगा भी नहीं सी क्योंकि नौजवान की वफात हुई एक घंटा पहले तवज्जो चाहिदी है मेरे रब ने फरमाया ऐ मेरे हबीब जी रब्बे जलील किया डरे फरमाया डरे जल्दी जा मेरे हबीब नू कह दे मेरे प्यारे नबी नू कह दे की कह दे ओ जड़े दुखी औरत उन्हें सलमाए उन्हों पैगाम दे दियो उन्दे नाल निकाह दा पैगाम दियो के मैं अल्लाह दा सोहना नबी तेरे नाल निकाह करना चाहता अपनी मर्जी नाल नहीं अर्श वाले रब दी मर्जी नाल हर परेशानी का हल हर दुखों का हल जिक्र के अंदर है एक होर जिक्र सुन लो लाजीम उल हलीम ला इलाहा इल्लल्लाह رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم پہاڑا تو وڈی پریشانی ہوے پہاڑ سارے جمع ہو جان बहुत बड़ी वजनी चीज बन जाती फरमाया इतने नालों भी वजनी परेशानी आ जाए फरमाया सारे दुख पहाड़ा तो वड्डे दुख अल्लाह खत्म करेगा जब बार बार आए जिक्र पढ़ोगे ला इलाहा इल्लल्लाह अलअजीमुल हलीम ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल करीम ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज व रब्बुल अर्शिल करीम सारिया परेशानिया ते दुखा दा हल इस एक सोने जिक्र दे अंदर है एक होर बड़ी बड़ी दुआ है उनके तीन फायदे ने पहला फायदा ओ दुआ पढ़ के जेड़ी दुआ करोगे मेरा रब कबूल फरमाएगा दुआ फायदा तेरी बड़ी बड़ी परेशानी अल्लाह खत्म कर देगा तीसरा फायदा जेड़ी परेशानी अल्लाह मुकाएगा ओडी वड़ी नेमत अता फरमाएगा अल्लाह दुख ला चुक लेगा परेशानी चुक लेगा बड़ी बड़ी नेमत अता कर देगा एक जिक्र है फायदे तीन ने ओ केड़ा जिक्र अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका नासियती बियदिका माज़िन फिया हुक्मुक आदलुन फिया क़ज़ाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक समैता बिही नफ्सक औ अन्ज़ल्तहू फी किताबिक औ अल्लमतहू अहदन मिन ख़ल्क़िक औ इस्तासरता बिही फी इल्मिल ग़ैब عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا الله ایک باری پھر بولو ایک سے اپی ہے پیارے سونے نے نبی دے کول آیا اے نبی جی
मैनू तीन चीजा की लोड़ है कि तीन चीजा तवजो ना सुने ये तीन चीजा की तेन हर वेले तेन सियाबी ने पूछा मेरे सोने नबी तीन चीजा की लोड़ है कोई ऐसा जिक्र बताओ मैं पढ़ा ते मैनू रब तीन चीजा तो फरमाए सोने नबी ने फरमाया केड़िया तीन चीजा ऐसा मैं दसो ऐसा जिक्र दसो जिंदे नाल मेरे सारे गुनाह माफ हो जाए ਬੜਿਆ एक सहाबी है जिंदा नाम सी अब्दुल्ला बिन रुफा उन्हें पूछा सहाबा ने कि यार तेरी ईद कदों बनती है वो आंदा है मेरी ईद वो है जिस दिन मैं सुबह मेरा दिन चढ़े तो शाम हो जाए तो मेरे कोई गलती ना हो इंदा मान है कि आज का दिन मेरा ईद का दिन है जिस दिन सहाबा तू गुनाह ते गलती नहीं सी ना होंदी ਉਹਨੂੰ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਵੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਸਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋੜੀ ਅਸਾਸ प्यारे भाई हो लेकिन फिक्री केड़ा फिक्री है ओ आंदे सोने नबी जी ऐसा मन बताओ जिंदे नाल मेरे गुनाह माफ हो जावन प्यारे नबी ने फरमाया होर की है आंदा मेरे ते रब दा रहम हो जाए हजरत आदम नबी जदो जन्नत जो निकले आन तो ना की आख्या रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन मिनल खासरीन हाय ऐ अल्लाह अगर तू अपने आदम नबी ते रहम न कीते ते मैं दा खट्टा वाले च हो जावांगा रहम कर दे अल्लाह ने रहम कीता ते मेरे आदम नबी नु माफी मिल गई रहम प्यारे सोने नबी मेरे मिठे नबी उच्चे नबी आला नबी अजीम नबी खुलके अजीम नबी रहमतुल आलमीन नबी अहमद नबी हाशर नबी आकब नबी माही नबी शाहिद नबी नजीर नबी बशीर नबी दाई अल्लाह नबी मुनीर नबी मोहम्मद करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी ने फरमाया जे सवेरे अपने किसी से आप दे करूं खाना खांदे ते की दुआ देंदे अल्लाहुम्मा बारिक लहु फीमा रज़क वग़फ़िर लहुम अगे की है वरहमहुम अल्लाह जिन्ना ने तेरे नबी नू खाना खवाया उन्ना दे अंदर बरकत पा अल्लाह उन्ना दे गुनाह माफ़ फरमा उन्ना दे रहम कर मनु बोलता रहम कोई बहुत बड़ी चीज प्यारे नबी दा सहाबियां दा अल्लाह मेरे ते रहम कर देवे जे तेरे ते जदों रहम हो गया मेरे अल्लाह दा तो पांच टाइम दा नमाज़ी होएगा तेरे
तेरे दिल लादा रहम हो गया तू तहज्जुद गुजार भी हो जाएगा तेरे रब दा रहम हो गया तू इशराक भी पढ़ेगा तेरे दिल लादा रहम हो गया तू कुरान की तलावत भी करेगा तेरे रब दा रहम हो गया तू अज़कार भी जरूर करेगा तेरे रब दा रहम हो गया तू उमरे हज्जा भी जरूर करेगा तेरे रब दा रहम हो गया तेरे जन डकैती नहीं होएगी तेरे रब दा रहम हो गया तेन कतल नहीं किया जाएगा तेरे रब दा रहम हो गया तेरे जिन्ना जादू शैतान नहीं आएगा तेरे रब दा रहम हो गया तेन मौत ईमान से आएगी तेरे रब दा रहम हो गया तेरी कबर जन्नत की क्यारी बन जाएगी तेरे रब दा रहम हो गया तेन नबी पाक को पानी मिल जाएगा तेरे रब दा रहम हो गया तेन रिश्ता साया नसीब होएगा तेरे रब दा रहम हो गया तेन फिर दाखिल किया जाएगा असि रहम कभी मंगिया ही नहीं सियाबी रहम की अपील की है मेरे नबी मैनू रहम मिले वो किवें मिले मैनू दसो कोई जिक्र दसो मैं पढ़ा तो मैनू रहम मिले तीसरी बात आदा के मैनू हलाल रिज़क मिले बरकत वाला मिले और हमेशा मिले मैनू रब अपना मोहताज रखे बंदियां दा मोहताज नहीं इतना गरीब हुई अल्लाह मैनू ना करे कि मेरा ईमान विक जाए गुरबत अल्लाह एक बंदा होया दुनिया उनकी जिंदगी बड़ी खतरनाक उनका नाम सी किफर उनके घर एक औरत आई भी रिश्ते लेकिन पकीजा औरत नेक औरत तकवे वाली औरत वो आती है कि मैनू पैसे दे दे मेरे बच्चे इस टाइम भुख की वजह नाल मंजिया ते बेहोश हो के तड़पते पै तैनो रब ने बड़ा माल दिता है कुछ पैसे दे दे ताकि मैं बच्चों नू रोटी पकाऊं जी खवा दे वह आंदा मैं पैसे जरूर देना पहले मेरे नाल गुनाह कर जेड़े गुनाह तू बाद 60 साल दियां इबादतां अल्लाह तबाह कर देंदा है वह आंदा मेरे नाल बुराई कर उस औरत ने चीख मारी ते दरवाजे बाहर हो गई जदों बच्चे लित हो जो गई आदी है बच्चियां नू की खवावा ते जे एदे तो जो कर दिए ओदे बच्चे जांदे ने एदे ईमान जांदा है ओ मजबूर हो के आई दुआ की करो अल्लाह मैनू इतना गरीब भी ना करी के मैं ईमान गुरबत च वेच लूं ओ फिर दोबारा आई ओनू आदी है अल्लाह वास्ते दे दे पैसे ए गुनाह तो मैं सारी उम्र कदी सोचया भी नहीं ओ आदा है सोचो या ना सोचो मैं ये गुनाह सारी उम्र कीता है ते मैं तेरे नाल भी करना चाहना ओ फिर दरवाजे बाहर चली गई रोंदी रोंदी तीसरी बारी फिर अंदर आई शायद तरस आ गया होवे मेरी गरीबनी दियां गल्लां सुन सुन ओनु फिर तरस नहीं आया ओने इयो ही मुतालबा रख्या है चौथी बारी जदों आई है तो रो के आंदिया चलो ठीक है ए मजबूरियां नाल आई सी ए औरत बदकार नहीं सी हयादार औरत पर्देदार औरत नेक औरत पर मजबूर हो अल्लाह मैनू इतना गरीब भी ना करी कि मेरा ईमान विक जाए जदों गुनाह दे करीब आए सारा जिस्म कंबी जा रहा है चेहरे दे रंग उड़ गए ओ आंदा है तैनू डर किंदा है आंदी है इन्नी अखाफ अल्लाह
मैनु दुनिया का डर नहीं, मैनू ते अल्लाह का डर है। केड़ा मुंह लेके अल्लाह दे सामने जावांगी, मैनू ते आए मारी जा रहा रब दा डर। ओ आंदा है जिन्ने सारी उम्र गुनाह नहीं किता ओ डरदी पई है, जिन्ने सारी उम्र किते ओनू डर कोई नहीं। ओ आंदा करमा वाली है जा ले जा जिन्ना पैसा लेना गिनती भी ना करी, काबले वापसी भी नहीं, ते जदो दिल करे लेके पैसे चली गई कर, करदा भी नहीं, ते मेरे बारे दुआ कर अल्लाह मेरे गुनाह माफ करे। सजदे च रोवण लग पिया देखे जदो सुबह हुई हाल चाल मच गई इलाके च, आज किफल मर गया है। लोग आए एदा चेहरा खंजीर दा बन गया होएगा, पर ओदा चेहरा बनया खंजीर दा नहीं। ओ औरत बोली ओ आदि परेशान ना होवो, रात मेरे ईमान ते डाका पवण लगा सी, लेकिन अल्लाह ने सानू दोवां नू बचा लिया। ए रात ही सजदे दे अंदर सी, ए सजदे च मर गया है, अल्लाह लगदा है इहदे ते राजी हो गया है। प्यारे हो ओनू ही मनाया करो, अज बेटा निराश हो जाए ते मनाना औखा है, आज भाई निराश हो जाए मनाना औखा है, आज अब्बू निराश हो जाए मनाना औखा है, आज अम्मी निराश हो जाए मनानी औखी है, आज बेटी निराश हो जाए मनानी औखी है, आज बीवी निराश हो जाए मनानी औखी है, हाय नंबरदार निराश हो जाए मनाना औखा है। प्यारे हो जरा सब तू वड्डी जात है ओ सब तू जल्दी मनी जांदी। अल्लाह अकबर। सहाबिया दे सोने नबी जी हलाल रिज़क मिले, बरकत वाला रिज़क मिले और हमेशा मिले, इन्ना भी अल्लाह गरीब ना करे कि मैं ईमान वेच बवां, मैनू तीन चीज़ां दी अशल जरूरत है, मेरे गुनाह माफ किवें होणगे, मेरे ते रहम किवें होएगा, मैनू हलाल रिज़क किवें मिलेगा। आओ प्यारियो एक मैं जिक्र पढ़ूँगा, उस जिक्र की बरकत नाल अल्लाह तेनू तिन्ने चीज़ां हमेशा ही अता कर दे। जरा उच्ची बोलो सुभान अल्लाह, हाथ खड़ा करके बोलो सुभान। प्यारे नबी ने फरमाया पढ़ सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। है भी सब क्यों जी, सुभान अल्लाह सब अल्हम्दुलिल्लाह भी आंदा है, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर भी आंदा है। हुण सियाबी सिद्धा बड़ा सिद्धे ओ सही सही, असि भी सिद्धे हैं, पर जलेबी दा जलेबी च कोई है वाल, ओ जलेबी च कोई वाल गुंगियो बोलदे नहीं, जलेबी च कोई वाल जलेबी दे विच जिन्ने वाल है ना इधर ज्यादा वाल साडे च, ओ सियाबी वाकई सिद्धा सी। ओ नबी दे सामने खड़े होके आंदा है सोने नबी जी मैनू ते ओ अमल दसो जिंदे नाल मैनू अल्लाह रिज़क देवे, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ते अल्लाह दी तारीफ है, मेरा रिज़क किदे गया, वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी तारीफ है, मेरे दरम किवें होएगा, सुभान अल्लाह अल्लाह दी तारीफ है, ओ मेरे गुनाह किवें माफ होणगे, ते मेरे नबी अस पए मुस्कुरा के आदे मेरा सियाबी भोला केड़ा है। फरमाया हुण ए ते अल्लाह दी तारीफ कीती है ना, हुण तारीफ तो बाद अल्लाह कोल मांग, हुण अल्लाह दी रहमत दी अल्लाह दी रहमत आ गई जोश में, हुण जो सवार करेगा मिल जाएगा। और चूंकि अरबी सी असी माशाल्लाह पंजाबी है, तुसी मंगो अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर, ए पढ़ के सुभान अल्लाह, तुसी आखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे ते रहम कर, तुसी पढ़ो वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाह मैनू हलाल बरकत वाला रिजक दे दे, अल्लाह फिर तिन्ने चीज़ा तेनू पंजाबी सुन के भी दे देगा, लेकिन पहले अल्लाह की तारीफ जरूरी है।
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے اور سیابی یاد آئے عربی اللہ اغفر لی اللہم ارزقنی جب میرے نبی نے کی فرمایا ذرا سبحان اللہ ایک واری اور ہو جائے تھکیو جمعہ سی پڑھایا تھک دوسری گئے اچھی بولو تھکیو یو آج چلک گیا کو سبحان اللہ پیارے نبی نے فرمایا او میرا سیابی مینو رب نے ہنے ہنے دسے آئے اے جنیا چیزاں منگدا پیاسی ہمیشہ ہمیشہ واسطے اینوں میں دعتا کر چھڑیاں نے جدو کوئی چیز نہیں سی ملدی کھان پیروانی ایسے آپی دگروں کدی ساری عمر رزق بکے آئی نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا رب نے منو دسے آئے تیرے یار نو رحم دیا چادرہ دے اندر ہمیشہ واسطے رب نے لپیٹ لیا ہے ایک ذکر باقی اے میں دو ایک بیٹھ کھڑیاں بے خبیر او نہیں میں مولوی میں دسا دو منٹ اللہ میں پورا گلتا گلتے گلتے نہیں صرف دو منٹ ایک ذکر ایسا ہے او زمین دے پڑھ لو ستا سمانہ دے اندر حال چل بچ جاندی ہے فرشتے آدھل اللہ تیرے بندے نے زمین دے ایک ذکر پڑھے آئے ایدیا نیکیا کنیا لکھیے لکھ لکھیے اللہ دے نہیں کروڑ لکھی ہے اللہ دا نہیں عرب لکھی ہے اللہ دا نہیں خرب لکھی ہے اللہ دا نہیں یورو دے دا لکھی ہے اللہ دا نہیں ریالہ جا لکھی ہے اللہ دا نہیں ڈالرہ جا لکھی ہے اللہ دا نہیں سبحان اللہ جا بھی نہیں اچھی دا بولو یار گوگیا دے پیش پر آج واحد مجمع جڑا سارے دا سارا گونگائی ٹکریا ایک بندہ بھی نہیں بولنا لڑا اینی وڈی میں ذکر پڑھنے لگا اجے بیٹھن میرا موں ہے دے پڑھ موں تا میرا پڑھنے والی تسی ویخلے سی اچھی بولو واہ میرے ربا تیرے کھڑ کنے خزانے نے اللہ اینج لگدہ جی میں اے ذکر دے کہ رب ہی پوری امت میں معاف کر کے جنہ او ذکر بڑا وڈا ہے عربان نے کیا تھا فرشتے لکھ سکتے تھا خربہ لکھ سکتے تھا سب لکھ سکتے تھا اللہ دے انیاں نیکیاں میں اس بندے نو دینیاں فرشتے ہو تسی لکھ سکتے ہیں اجے بھی سبحان اللہ پتہ نہیں تسی اللہ جانے کیڑی گل تھانو چنگی لگنی ہے تو تسی تا بولنا ایڈی وڈی گل بھی تھانو پسند نہیں آئی او قسمت والے بندے او اچھی بولو یار کدو بولنا جے ہاں ہون میں نے سنا ہے ہون ادا مول ادا ہو گیا ہے اے ذکر بڑا بڑا ہے پیارے سوڑے رب نے فرمایا دساں ایک ارنا قیمتی ذکر ہے اللہ دا فرشتے ہو ساری دنیا دے درخت کٹ کے کلمہ بڑھاؤ ستا سمندران دا پانی جمع کر کے سیائی بڑھاؤ تے لکھیں لگ پاؤ کلمہ میں ٹوٹ جان گیاں تے سیائیاں میں اس ذکر دی نیکیاں اتنیاں نو پھر بھی پوریاں لکھنیاں آئیے لگتا ہے جنہاں رب جنت ڈیسی
लेकिन जे तुसी ना पढ़िया मोड़ मोड़ नहीं दी सी मोड़ टुट मोड़ो शेरे पंजाब आदा टुट जन्नत मिले लेकिन थोड़ी जी मेहनत करोगे दस्तिया फिर दुआ के आइंदा कभी बुलाओगे फिर दसा या आज ही दसा ए जनी दसनी दोनों आ चुको तो उच्ची बोलो फिर बोलो ओ गूंगे ओ फिर बोलो आई तो भाई जी आइंदा जिक्र कीमती है कि माशाल्लाह गूंगे भी बोलने लगे बड़ी बात है माशाल्लाह सुनो या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाल वजहक वाज़िम सुल्तानिक छोटी दुआ एड़ी बड़ी ये ना तदाद कोई नहीं जिन्ने दसन तदाद कोई नहीं सौ वरी पढ़ लो या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाल वजहक वाज़िम सुल्तानिक एक नेकी थोड़ गई ना ते बाप ने नहीं देनी मां ने नहीं देनी बीवी ने आखना है मैं तक कुआरी मर गई है मेरा तो खानदान था ही नहीं सब छोड़ जान गए ये दुआ ज्यादा पढ़ ताकि नेकी थोड़े ही कोई आखिर दावा अनिल हमदुलिल्लाह।